नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश हो चुका है और अब सरकार वो विधेयक पास करवाना चाहती है जो उसके लिए इस मुश्किल वक्त में संजीवनी का काम कर सकते हैं। किसान आंदोलन के चलते और सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ते किसानों के आक्रोश को देखते हुए सरकार बेहद सधे हुए ढंग से आगे बढ़ रही है। विधानसभा में भले ही अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका हो, लेकिन इस वाकये से आहत किसानों ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों और विधायकों के बायकॉट का फैसला और कड़ा कर लिया है और इस फैसले की धार को कुंद करने या कह सकते हैं कि कम करने के लिए ही सरकार ऐसे विधेयक सदन में लाने की कवायद में जुटी है जो कानूनी रूप से उसे संरक्षण देने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा के लिए सरकार अब अपने फैसलों को कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल निंदा प्रस्ताव लेकर आए। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, सदन ये प्रस्ताव पारित करे कि किसान आंदोलन में लोकतंत्र की हत्या ना हो, सरकार की संयम और विनम्रता को कमजोरी ना समझा जाए, किसानों को उकसाने में कांग्रेस का भी योगदान है। सीएम ने सदन में एक पंक्ति प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव का मसौदा कुछ इस तरह था कि अगर कोई भी किसी राजनीतिक दल के नेता का गांव शहर में घुसने का विरोध करेगा, ये सदन उसका विरोध करता है। इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें प्रस्ताव रखने की क्या जरूरत है। इसके इतर चर्चा इस बात की भी है कि सरकार आंदोलनों, दंगों और उपद्रव के दौरान होने वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी नुकसान की भरपाई के लिए भी क्षति वसूली विधेयक लाने वाली है। विधेयक के मुताबिक नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज इस कानून को बनाए जाने के हक में भी हैं। तो आज होगी चर्चा इसी बात पर कि आने वाले ये जो प्रस्ताव है इन्हें किस तरीके से देखा जाए। ये जो विधेयक सरकार लाने की सोच रही है, जिसकी कवायद सरकार की ओर से शुरू भी की जा चुकी है, कह सकते हैं क्या ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए ये इस तरह के विधेयक या कानून लाए जाएंगे, या फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा जाएगा, क्या ये आंदोलनों को दबाने के लिए या फिर उन्हें चुनौती देने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया एक कदम होगा, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए। तो क्षति वसूली कानून के मसौदे पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होनी थी, लेकिन हरियाणा में पिछले 6.5 साल के दौरान हो चुके आंदोलनों के मद्देनजर अगर ये कानून लागू हो गया तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी, लिहाजा इस कानून के प्रारूप पर चर्चा को अधर में ही छोड़ दिया गया है। लेकिन एक बार फिर इस कानून को लेकर चर्चा तेज है कि सरकार इस कानून को इसी सदन में जो है वो पास करवा सकती है। सरकार विधेयक पेश करेगी और ये विधेयक पास होने के बाद कानून का रूप लेगा। तो सीएम ने निंदा प्रस्ताव पेश किया जिस पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। अगर कोई भी किसी राजनीतिक दल के नेता का गांव शहर में घुसने का विरोध करता है तो सदन उसका विरोध करता है, ये पंक्ति मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के अंदर कही। प्रस्ताव का कांग्रेस ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट भी कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जो है वो सरकार का काम है और इस पर प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो है कई मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेंद्र नेहरा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं और कानून के जानकार और अधिवक्ता जो है शालिनी यादव, डॉक्टर शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं संदीप चौधरी, मैं उनसे ये जानना चाहूंगी, संदीप जी सरकार की ओर से ये जो प्रस्ताव लाए गए हैं और ये जो विधेयक लाए जाने की बात हो रही है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं। मैं बताऊं, जिस प्रदेश को कॉपी करके ये कानून हरियाणा में लाया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, आप पिछला विश्लेषण करके देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम बेस बनाई गई और जितने भी ऐसे केस दायर किए गए वो एक ही धर्म और समाज के लोगों पर लगाए गए। लेकिन आप हर चीज को कॉपी कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, आपकी केरला की स्थिति अलग है, हरियाणा की स्थिति अलग है। आप चीजों को, पहली बात को अलग करना सीखिए। आज आप हरियाणा में ये चीज करेंगे, इसका एक ही मकसद होगा कि हरियाणा के लोगों में एक चर्चा शुरू हो जाएगी कि सरकार अंग्रेजों की तरह दामन के जो दमनकारी नीति थी उसको अपना रही है और विरोध को दबाना चाहती है, विरोध को मुंह बंद करना चाहती है और इस चीज का सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो संपत्ति है वो पब्लिक की संपत्ति है। और आप मुझे ये बताइए, आप संपत्ति के लिए इतने चिंतित हैं, जो लोग मारे जाते हैं सरकार से अपनी बात रखने के लिए, जो प्रदर्शन करते हैं, 300 किसान मारे जा चुके हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? तो हरियाणा में इस तरीके का बिल लाना, कहीं ना कहीं सरकार अपनी फजीहत कराएगी। ब्रजेंद्र जी, क्या माना जाए कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए सरकार इस तरह का प्रस्ताव या विधेयक लाने पर विचार कर रही है, या फिर सरकार के प्रति और जनप्रतिनिधियों के बढ़ते आक्रोश को कम करने के लिए ये कानून के द्वारा एक तरीके से डराए जाने या धमकाए जाने की कवायद है? ब्रजेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ब्रजेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सरकार के इस कदम को क्या ये समझा जाए कि ये जनप्रतिनिधियों के प्रति जो बढ़ता गुस्सा है, उस गुस्से को कम करने के लिए उठाया गया कदम है, या फिर जो तर्क दिया गया कि लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, क्या इसे सही माना जाए? देखिए कायना जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी कायना जी, देखिए जिस तरह से आज निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया है विधानसभा में, उसको देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर रह करके हरियाणा के हित में कोई भी मुद्दा ऐसा, चाहे वो कृषि से क्षेत्र से जुड़ा विषय क्यों ना हो, किसी भी विषय को वहां ना उठा करके वो कोशिश करते हैं किसी ना किसी बहाने के माध्यम से सदन से वॉकआउट किया जाए, बाहर जाया जाए, और सरकार से जो उसके संज्ञान में कोई चीज लानी है या सवाल पूछने हैं उनसे हमेशा बचने का इनका प्रस्ताव रहता है। कहना जी, जब से इनका अविश्वास प्रस्ताव गिरा है कांग्रेस पार्टी का, तब से ये बौखलाए हुए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से विधायक पद से और इनके जो सांसद पुत्र है राज्यसभा से जो बने हुए हैं दीपेंद्र जी, उन दोनों से इस्तीफा मांग रही है जनता, लेकिन ये इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है और तरह तरह की बहानेबाजी और अड़ंगेबाजी लगाने का ये काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कायना जी 1,55,000 करोड़ का जो बजट पेश किया है, वो बजट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सरकार का जो मजबूत गठबंधन है और हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरह से विकास करना है उसको दिखाता है। मैं यहाँ पर सरकार के बजट को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं सरकार के उस प्रस्ताव को लेकर बात कर रही हूँ जो साफ ये दर्शाता है कि उन लोगों को एक तरीके से दबे शब्दों में चेतावनी दे दी गई है जो सरकार के जनप्रतिनिधियों के विरोध की बात करते हैं। क्योंकि ये देखा गया कि कई हरियाणा के गाँव में कई खापों ने ये खुलकर कहा कि अब यहाँ पर अगर कोई भी प्रतिनिधि आता है तो उसे गांव में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा। तो साफ उन लोगों का या उन संगठनों का नाम लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा जाना कि अगर किसी भी व्यक्ति या संगठन की ओर से इस तरह का काम किया जाता है तो ये सदन उसकी निंदा करता है। देखिए कायनात जी, बड़े स्पष्ट रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग इस तरह की शरारत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सराफत को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख कार्यकर्ता हैं, हर गांव के अंदर हमारे 300 400 500 कार्यकर्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया तो इनको खाल बचानी मुश्किल हो जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा मैडम, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र में। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, विरोध क्या कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस कर रही है। जरूर ये कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं किसानों को, ये नहीं कहा कि कांग्रेस की तरफ से विरोध हो रहा है। देखिए कायनात मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है और इनेलो पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है, वही तो गांवों के अंदर विरोध की इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आप मुझे बताइए, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बात कहेंगे। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, इनेलो का नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया, जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो इनका गांव घुसना बंद हो जाएगा। ये क्या सोचते हैं, हमसे ज्यादा कार्यकर्ता है क्या इनके?
भारतीय जनता पार्टी ने अगर दूसरी बार सरकार बनाई है जेजेपी के साथ मिलकर, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा चुनकर आई है हरियाणा प्रदेश के इतिहास में, तो ये कांग्रेस की शरारत है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन के अंदर निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं चाहूंगी जब वो जुड़े तब हम इस पर बात करें। जैसे आप सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस तरह से काम जो है वो कर रही है, मैं चाहूंगी हमारे साथ जो अधिवक्ता जुड़ी हैं डॉक्टर शालिनी यादव। शालिनी जी, आप किस तरीके से देख पा रही हैं इस प्रस्ताव को, जो विधेयक लाने की बात हो रही है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात इस निंदा प्रस्ताव पर। सेना जी देखिए, 1984 का डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो इस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेजेस जो होते हैं उनका डैमेजेस क्लेम करने की भी बात करता है और 5 साल की जेल की सजा भी है उसमें। तो दोबारा व्हील को री इन्वेंट करने का मेरे को कोई मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक ये बात है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जिनका बॉयकॉट किया जाएगा वो गांव में नहीं जा सकते, इस चीज को रोकने के लिए अगर सरकार इस तरह का प्रस्ताव पारित करना चाह रही है, इस तरह का बिल लाना चाह रही है, कानून बनाना चाह रही है, तो सीधी सी बात ये है कि सरकार जो है वो लोगों के अधिकार को, लोगों के अपनी अपनी बात रखने के अधिकार को खत्म करना चाह रही है। बॉयकॉट जो है किसी का भी वो एक बहुत ही पुराना मैकेनिज्म है, बहुत ही पुरानी सोशल एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जो कि किया जाता है, यूज किया जाता है, एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म है बेसिकली। अब आप देखिए हमारे लोकतंत्र में जब हम लोगों को इलेक्ट करते हैं और हम उन्हें संसद में भेज देते हैं, हमारे पास राइट टू रिकॉल नहीं है अभी तक जी। कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे वापस बुला सकें। इस सिचुएशन में हमारे पास क्या अधिकार रह जाता है कि अगर हमारी बात सरकारें सुने ना, जब हमें बहुत दिक्कत हो हम जाएं तो वो प्रशासन तंत्र को यूज करें हमारे ऊपर लाठियां बरसाने के लिए, हमारी बात नहीं सुनने के लिए, बिल्कुल अनसुनी कर देने के लिए, तो जनता के पास फिर क्या अधिकार रह जाएगा? किस तरीके से जनता अपना रोष दिखाएगी? क्या चाहते हैं आप जी? ये एक आखिरी जो पड़ाव है उसको आप, आखिरी अधिकार जो जनता का है उसको आप छीन लेना चाह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं देखते कि ये एक पब्लिक आउटरेज है, आपके अगेंस्ट है, कि आप जिस तरह से आप प्रशासन चला रहे हैं, जिस तरह से आपकी सरकार चल रही है कि आम जनता की बात सुनी नहीं जा रही है, उसके अगेंस्ट ये रोष है। उसके लिए जो जनता को इनफॉर्मल सिस्टम नजर आ रहे हैं वो उसका उपयोग कर रही है, इसमें क्या गलत है? ब्रजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? जो शालिनी यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, कानून की जानकार भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, उनका ये कहना है कि सरकार का ये कदम जो है वो ऐसे देखा जाए कि जनता का जो अधिकार है बात रखने का लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस अधिकार को छीनने के लिए उठाया गया कदम। देखिए, सरकार ने कभी भी विरोध करने के जो तरीके हैं उस पर ऐतराज नहीं जताया है, और कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का विरोध वो कर सकता है, स्वाभाविक है, उसका अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ कर्तव्य भी हैं कायनात जी। वो जब हिंसा करता है, तोड़फोड़ करता है, प्रदेश की संपत्ति का नुकसान करता है, या मान लीजिए किसी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति के ऊपर निंदा प्रस्ताव जो पेश किया गया उसमें कहीं ये बात नहीं कही गई, कहीं जिक्र नहीं है कि अगर हिंसा के द्वारा विरोध किया जाता है, बायकॉट किया जाता है, या किसी प्रकार से सरकारी या फिर गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान किया जाता है तो यहाँ पर ये सदन उसकी निंदा करता है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर बायकॉट किया जाता है शहर में या गांव में घुसने पर, तो उस बात को लेकर ये सदन निंदा करता है। इस बात को और इस निंदा को कैसे देखा जाए? अगर सरकार खुद इस तरह की बात कर रही है, क्या ये मान लिया जाए कि अब सरकार जो है विरोध झेलना ही नहीं चाहती है, और अगर इस तरह का विरोध होता है तो सरकार उसे कानून के विरोध बताना चाहती है? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कायनात जी पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं फरीदाबाद जिले के एक छोटे से गांव सागरपुर में रहता हूं, और आसपास में लगभग 150-200 गांव हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है, बड़ा शांति से सब गांव के अंदर किसान खेत में लगे हुए हैं। तो फिर ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ गई सदन में? ये बात, ये निंदा प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पेश आ गई? मैडम, वो इसलिए लाए ना कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो नेतागिरी के चक्कर में, जैसे आपने नरवाना से इनके जो नेत्री थी खुलेआम कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी अब किसानों के आंदोलन को चलाएगी, शराब बांटेगी, पैसे बांटेगी, किसान तो चला नहीं सकते इसलिए कांग्रेस के नेता चलाएंगे। खुलेआम 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हुई नेत्री थी वो, जिसने कहा था
आप देखिए इससे बड़ा और प्रूफ क्या मिलेगा मैडम आपको, इनके नेता किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अन्यथा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं कोई विरोध नहीं है। और गुरनाम सिंह चटूनी जैसे व्यक्ति जो दो बार अपनी चुनाव में जमानत जब्त करवा चुके हैं, योगेंद्र यादव जो अपनी चुनाव में जमानत जब्त करवा चुके हैं, ऐसे लोग किसान नेता बने फिर रहे हैं जो आड़ती का काम करते हैं, किसानों का फिर सरकार उन्हें बातचीत के लिए पहले क्यों बुला चुकी है, क्यों बुलाया गया फिर ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, जब आप उन्हें किसान नेता मानते ही नहीं है तो फिर ऐसे लोगों से बातचीत क्यों की गई? सवाल यहाँ पर फिर ये भी उठ जाता है, जैसे आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो जो यहाँ पर किसान नेता बने फिर रहे हैं उनका तो ताल्लुक ही नहीं है खेती किसानी से, कृषि से। कायना जी, भारत सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना दिखाते हुए, किसान के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के कारण सभी लोगों से बातचीत की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक व्यक्ति का नाम ऐसा बताइए जो चुनाव में जमानत जब्त नहीं करवा सका हो, चाहे वो गुरनाम सिंह चटूनी हो, योगेंद्र यादव हो, राकेश टिकैत हो, एक चुनाव लड़ता है हार जाता है ये दूसरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति फिर किसी वर्ग से जुड़कर उसकी आवाज उठाना बंद कर दे, या अगर वो किसी वर्ग से जुड़कर आवाज उठाता है तो उस पर ये ठप्पा लगा दिया जाए कि वो राजनीति कर रहा है। यहाँ वो किसी अपनी पार्टी को बैनर बना के राजनीति नहीं कर रहे, यहाँ पर वो सिर्फ किसानों की हक की बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बात कर रही है मैडम आप, विजेंद्र जी, आप कुछ लोगों के नाम गिनवा कर उनका राजनीतिक बैकग्राउंड गिनवा कर क्या बात कर रहे हैं? मेरा जवाब सुनेंगी, आपने किस लिए बुलाया यहाँ पे, आप सवाल पे सवाल दागेंगी या? विजेंद्र जी, सवाल यहाँ हम ही कर रहे हैं, जवाब आपको ही देना है, तो आप सुनिए, सवाल हम ही करेंगे, आप सवाल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, आरोप मैंने नहीं लगाया, शिव कुमार कक्का संयुक्त किसान मोर्चे के एक प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपए की घूस लेकर कांग्रेस से गुरनाम सिंह चटूनी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार को अस्थिर करना चाहता गुरनाम सिंह चटूनी, ये शिव कुमार कक्का के आरोप हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे के व्यक्ति हैं। और आज राकेश टिकैत जी अब जो बंगाल के अंदर गए हैं तो टीएमसी की सांसद उनको लेने के लिए आई है, ममता बनर्जी उनसे खुलकर राजनीति कर रही है, क्या राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग? ये अगले चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं जो इनकी जमानत जब्त हुई, और इनकी जमानत किसने जब्त कराई? इन्हीं किसानों ने इनकी जमानत जब्त कराई और फिर से इनकी जमानत जब्त होगी, ये क्या बात कर रहे हैं मैडम, खुलकर राजनीति कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे कांग्रेस की ओर से। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनीष जी, जो बात यहाँ पर जो निंदा प्रस्ताव पेश किया गया, ब्रजेंद्र नेहरा जी का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए था क्योंकि कांग्रेस के लोग किसानों को उकसाने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। जो निंदा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में पेश किया है, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके का ये निंदा प्रस्ताव लेके आए हैं, जो ये वसूली की बात कर रहे हैं, जो शर्म के बारे में रुको रुको, जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, आप मादा रखो, सुनने का मादा रखो, बीच में बात में बोल लेना भाई, सरकार में बैठे हो, सुनने का मादा रखो, पहले बात को सुन लो, क्या शर्म, पहले बात को सुनो, आराम से खिलाने से खिलाने से फर्क नहीं पड़ता, बराबर मौका मिलेगा, कई और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपसे वाद विवाद की बात खत्म मत कीजिए ना, एक दूसरे की बात लीजिए फिर अपनी बात रखिए। इस देश के अंदर एक ही पार्टी जिसको सर्वमान्य चाहिए, कांग्रेस ही नेताओं को सर्वमान्य चाहिए, हो गया। अरे 70 साल में भारतीय जनता पार्टी की आज तक जमानतें, अरे कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्मसार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसका नेता है चुनाव लड़ने वाले लोग, पप्पू जैसे नेता को नेता मानते हैं आप लोग, बात बता रहे हैं आज जमानत की बात बता रहे हैं, 2019 में आज चर्चा है विधानसभा में, जो आप संपत्ति की बात कर रहे हो, जो आंदोलनकारियों की बात कर रहे हो कि जो भी नुकसान पहुंचाएगा उससे वसूला जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, जो 300 किसान शहीद हो गए पहले उनकी भरपाई करो, उनकी मौत की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, सरकारी नौकरी शहीद हुए उनकी मौत की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी का है, कैसे करेंगे, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, कैसे पढ़ेंगे और उसके बाद ये कानून लाओ, अरे भैया कब तक लोगों को डरा कर अब तो विदेशी लोग भी कहने लग गए किसानों की मौत के हत्यारे हैं, खतरे में है किसानों की मौत के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, पहले भरपाई जो सरकार की गलतियों से, जब हरियाणा जला, हरियाणा को 4 बार खट्टर साहब ने जब जलवाया, पहले उसकी भरपाई तो करो, उसका जिम्मेवार कौन है, पूरा रोहतक जला उसका जिम्मेवार कौन है, पहले उसकी भरपाई करो, ये विधेयक लाओ और पास करो,
जो 300 जवान शहीद हुए हैं किसान, पहले उनके घर जाओ, उनकी भरपाई करो, उनका अरेंजमेंट करो कि उनका उनका जीवन यापन कैसे होगा, उसके बाद ये बिल लाओ। बहुत अच्छी बात है, आपने 70 साल में जो आज तक नहीं हुआ वो आपने करा। जिसने आपसे सवाल पूछा, ये लोकतंत्र में अधिकार है सवाल पूछने का, उसको आपने देशद्रोही बताया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अब ये नया कानून एक और आ गया कि जो भी संपत्ति का नुकसान होगा, बहुत अच्छी बात है अगर कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है उसकी भरपाई होनी चाहिए, लेकिन जो नुकसान सरकार के कारण 300 शहीद हुए हैं हमारे किसान भाई, पहले उनकी भरपाई भी तो सरकार का दायित्व तो बनता है ना। केंद्र में और प्रदेश में आपकी सरकार है, और अगर कहीं वहाँ पर कोई लोग शहीद हो रहे हैं तो उनके परिवार का जीवन यापन का भरोसा आपको देना चाहिए। चलिए ब्रजेंद्र जी, पहले आप ये काम करो और उसके बाद स्वागत करते हैं आपका। ब्रजेंद्र जी अब सुन लीजिए भाई। देखिए मैडम, मैं पहले तो बताना चाहूंगा कायनात जी कि कांग्रेस पार्टी इन 300 किसानों के शहादत जो हुई है, जो इनकी मौत हुई है, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इनका मन नहीं भरा, किसानों के हत्यारे हैं। 1998 में 1992 में इन्होंने किसानों की हत्या करवाई, वो जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय खुलेआम किसानों पर गोली चलवाई और उसमें एक दर्जन से ज्यादा किसानों को इन्होंने शहीद कराया था। और जो ये बात कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दंगे किसने करवाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनकी पूरी टीम पर मुकदमा चला कोर्ट के अंदर, आज भी वो मुकदमे चले हुए हैं। किस पे मुकदमे चले हैं, किस पे आरोप लगे हैं, किसने हरियाणा को चलाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने चलाने का काम किया। तो मैडम इनको बताना चाहूंगा मैं कि कांग्रेस पार्टी की हालत तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये रोज कहते थे सरकार को गिरा देंगे, सरकार को गिरा देंगे। अरे शर्म तो ऐसे लोगों को आना चाहिए जो रोज सरकार गिराने की बात करते थे, आज खुद अपना बैठे हुए हैं, अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। मैं देख रहा था मैडम, आप जैसे किसी वरिष्ठ पत्रकार ने दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लिया कि सरकार पर दबाव बनाना है दीपेंद्र जी, तो आप राज्यसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दीजिए। वो 10 मिनट तक ऊपर नीचे जमीन आसमान तारों को गिनने लगे, लेकिन उनके मुंह से जरा झूठों को भी ये नहीं निकला कि हाँ मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। ये नकली किसान नेता बने फिरते हैं और किसानों के नाम पे मैडम राजनीति करते हैं। इन लोगों को क्या पता किसान का दर्द क्या है। ब्रजेंद्र जी, ब्रजेंद्र जी, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू की, इस्तीफे की कब कब किस किस से मांग हुई है और क्या क्या उसको लेकर तर्क दिए गए हैं, ये सभी जानते हैं। किसी के इस्तीफा देने या ना देने से कितना फर्क पड़ जाएगा ये भी सभी को अच्छी तरह से जानकारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि अब सरकार अगर इस तरीके से कोई प्रस्ताव लेकर आती है, कोई विधेयक पारित करवाना चाहती है, तो लोकतंत्र के अंदर उसे किस तरीके से देखा जाए, बात आज इस पर हो रही है। हम कई बार यहाँ पर किसान आंदोलन पर बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा आपका यही कहना होता है ये आंदोलन किसानों का नहीं, ये प्रस्तावित है राजनीतिक आंदोलन जो है ये हो रहा है, कांग्रेस इसके पीछे खड़ी हुई है, तमाम तरह की बातें यहाँ पर होती रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर सरकार बात कर रही है, जो लहजा है सरकार का, वो यहाँ पर कैसे देखा जाए। संदीप जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जरा अपनी बात रखें। देखिए कायनात जी, डिबेट को बिल्कुल डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। शालिनी जी ने बहुत अच्छे से चीजें बताई थी और मैं आपको बता दूं, आप एक एक नेता का नाम ले लीजिए, चाहे यूनियन के नेता हो चाहे किसी पॉलिटिक्स पार्टी का नेता हो। आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, आपके चाहे पंजाब की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, हर जगह जा रहे हैं, उनकी एंट्री भी हो रही है, स्वागत भी हो रहा है। इसका मतलब कायनात जी ये है कि जनता की बात वो कर रहे हैं और जनता उनका स्वागत कर रही है। तो ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो नेता हैं उनको गांवों में जाने से आज डर लग रहा है, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको ये लगता है कि गांव में मेरा विरोध हो सकता है और वो लोग विरोध करने वालों के ऊपर केस दायर कर सके, उनके अंदर एक डर पैदा कर सके। आज इस चीज की स्थिति क्यों आई है, क्यों इस तरीके का बिल सरकार को लाना पड़ रहा है कि अपने ही लोगों पर हम केस लगाए, उनको डराए, उनका मुंह बंद करें, आखिर कहां गलती है, इस चीज का विश्लेषण होना चाहिए। आपको बिल लाना था, आप बिल इस चीज का लेकर के आते कि आप जो किसान है उनको खालिस्तानी कह देते हैं, उनका जो समाज है वो पूरा आहत होता है, उस समाज की भरपाई कैसे होंगे। आप जब उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, तो आप कहते हैं कि हर जगह यादव ही यादव दिखते हैं, कहीं पुलिस में जाओ किसी भी ऑफिस में जाओ, क्या यादव समाज आहत नहीं होता है। इस तरीके की चीजों पर बिल लाना चाहिए था कि वो जो आहत हुए हैं उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। तो हमें अपने समाज को अगर संगठित करना है, मजबूत करना है, तो
अदालत बयानबाजी के खिलाफ आपको बिल लाना चाहिए था कि उनके ऊपर क्या फाइन लगाओगे आप, जो सरकार से मांग करते हैं और अपनी जान दे देते हैं उनको क्या भरपाई करोगे आप, उनके लिए क्या पैकेज है आपके पास। तो जो चीजें पॉजिटिव थी उन पे बिल नहीं लाया गया। मुझे लगता है हरियाणा में बिल की जरूरत नहीं थी, ये केवल और केवल लोगों की जबान बंद करने के लिए है। आपने देखा जब जाट आरक्षण का मुद्दा चला कितनी लोगों की जान गई, कितना आपने भरपाई किया, किसकी गोली से मरे वो लोग। तो चीजों को समझना पड़ेगा और चीजों को आपको कायनात जी ऐसे भी समझना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में जो काम किया क्या उसका नतीजा था, क्या आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो चुनाव जीत पाया, क्या आपका कृषि मंत्री चुनाव जीत पाया, क्या आपकी महिला आयोग की जो कविता जैन थी वो चुनाव जीत पाई, ऐसे तमाम मिनिस्टर थे कहाँ फेलियर रहा। उन चीजों पे काम करने की जरूरत थी, उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। शालिनी जी क्या लगता है यहाँ पर कि सरकार जो है ये बचाव सरकार अपने जनप्रतिनिधियों का कर रही है, अपना कर रही है इस तरह के प्रस्ताव ला करके, और यहाँ पर लोकतांत्रिक जो भावना है जन भावनाओं को नजरअंदाज करने की एक तरीके से बात हुई है, सिर्फ हर एक चीज को सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है। जैसे बार बार बात आ जाती है कि ये जो बात कही गई है ये कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए कही गई है, विरोधी दलों के लिए कही गई है, लेकिन यहाँ पर जो जन भावना है उसकी बात नहीं होती। ये प्रस्ताव एक डरी हुई सरकार का है, वो जनता में जिस तरह से उसके कामों के प्रति जो अब रिएक्शन होने लगा है वो ना उसे संभाल पा रही है ना वो उसे बर्दाश्त कर पा रही है, और अपने खिलाफ होते हुए जो पब्लिक परसेप्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सियासी राजनीति जहां तक हो रही है कि ये कहना कि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको रोकने के लिए किया जा रहा है, तो बहुत और तरीके होते हैं, इंडियन पिनल कोड में भी है, आपके प्रशासन भी है, उनको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है वहां जाने से, आप ये सब कर सकते थे। तो ये आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए नहीं है ये कानून और ये प्रस्ताव, ये बहुत क्लियर है, ये आम जनता के लिए। और मैं वही कह रही हूँ कि ये डरी हुई सरकार है जिसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चीज के ऊपर लगाम लगाई जाए, जो सरकार के खिलाफ जो उसकी नीतियां रही हैं इतने दिनों से, जिससे जनता में एक आक्रोश पैदा हो रहा है, अब उसको रोका कैसे जाए। तो जब आप सुधार करके उस आक्रोश को नहीं बदलना चाह रहे हैं तब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आवाज दबा दी जाए, तो डर के मारे लोग चुप हो जाएंगे, इससे ज्यादा इस निंदा प्रस्ताव में और कुछ भी नहीं है। ब्रजेंद्र जी अब क्या कहेंगे? देखिए कायनात जी, एक तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से अभी जो हमारे भाई हैं संदीप चौधरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको नहरा जी। हाँ प्रेम, लगता है मुझे कोई दिक्कत आई है आपके सर पे जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है लेकिन आवाज हम आपकी सुन पा रहे हैं जी। हाँ चौधरी जी, जिस तरह से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव हारे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के इतिहास में जब से हरियाणा बना है ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा से चुन के आई है, और मैं उनको बताना चाहूंगा कि चुनाव के अंदर हार जीत तो सब लगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि 2014 में पहले जी हम लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, फिर विधानसभा चुनाव जीतते हैं, फिर जींद जैसी क्रिटिकल सीट पर जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चुनाव लड़ रहे थे रणदीप सुरजेवाला जी विधायक होते हुए, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हरा देता है, उसके बाद 10 के 10 नगर निगम के जो चुनाव है वहां पर और पंचायत के जो चुनाव है वहां पर, फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा ही सूफड़ा साफ कर देते हैं कांग्रेस पार्टी का 10 की 10 लोकसभाओं में, और उसके बाद में विधानसभा के अंदर फिर से हमारी सरकार बनती है। उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश के अंदर आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमारी जो संख्या है कार्यकर्ताओं की दिन पे दिन बढ़ी है, इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा क्षणिक कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो नरवाना से इनकी नेत्री दावा कर रही थी कि किसान आंदोलन नहीं चला पाएंगे, दारू और पैसा बांट के कांग्रेस को आंदोलन चलाना है, उसी तर्ज पर इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है आंदोलन के पीछे, क्योंकि आम जो किसान है वो अपने खेत में अपने घर में गेहूं की फसल पकने को आई है, अब गेहूं कटाई करेगा या वो बैठेगा। और दूसरा इनके जो नेता मैडम, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, बेहद अफसोस मुझे होता है यहाँ पर ये कहते हुए कि अभी भी आप ये मानते हैं नेहरा जी कि वो जो बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर लोग वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो किसान नहीं है। मैडम देखिए कायना जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, क्या इनकी नेत्री ने ये कहा कि नहीं कहा कि किसानों को पैसा दारू बांटो किसान आंदोलन नहीं चला पाएंगे, कांग्रेस आंदोलन चलाएगी? क्या इनके किसी नेता ने माफी मांगी? व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्या ये बात साबित हो गई? दो बार विधानसभा का चुनाव लड़ी हुई है वो, क्या माफी मांगी इनके किसी नेता ने? किसका काम है
निकालिए क्या माफी मांगी इनका किसी नेता ने? सिर्फ बयान को लेकर बात करना क्या सही है? यूं तो किसानों को लेकर भी, किसान आंदोलन को लेकर भी कितनी तरह के बयान सामने आए, कितने बीजेपी नेताओं ने इस चीज को लेकर कहा कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। मैडम मुझे बताइए, मैडम जो इनके कुछ तथाकथित किसान नेता है वो धरनों से भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? सिर्फ बयानों पर बात नहीं, बयानों पर बात के अलावा धरनों से गायब है वो, कभी कलकत्ता पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पंचायत करने पहुंच जाते हैं। अरे भैया धरनों पर किसान है नहीं, आप लोग चलिए मैं चाहूंगी शालिनी जी ने जो बात कही यहाँ पर, शालिनी जी ने जो बात कही आप उसका जवाब दीजिए। क्या कहा आपने मैडम? शालिनी यादव जी ने जो बात कही मैं चाहती हूँ आप उस पर बात करें। क्या क्या कहा बताएं आप? अभी आपने उनकी बात पूरी नहीं सुनी। शालिनी जी का सिर्फ यही कहना था कि ये जो है सिर्फ जनता की आवाज को दबाने के लिए ही सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाई है, और अगर इस तरह का कोई कानून, क्षति वसूली कानून भी लाया जाता है तो वो भी इस तरह के आंदोलनों को दबाने के लिए ही, जनता की आवाज को दबाने के लिए होगा। मैं चाहूंगी इस पर आप। अच्छा मैडम आप मुझे बताइए, कायनाथ जी क्या हरियाणा विधानसभा को आप लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के अनुसार नहीं मानते? क्या लोक विधानसभा के अंदर, अगर मैडम बात तो सुन लीजिए, विधानसभा के अंदर कानून के सम्मत, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार अगर विधायक मिलके कोई नियम कानून बनाते हैं, क्या उसको आप गलत मानते हैं, गैर कानूनी मानते हैं? पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, क्या वो बना नहीं सकते कानून? उनका अधिकार नहीं है, राइट नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन ये कानून अगर यहाँ पर विपक्ष बोलता है उसकी बात भी सुननी चाहिए। जिस तरह से आप कृषि कानूनों की ही बात कर लेते हैं, उसको भी तो कितने यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि ये असंवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं, ये बिल्कुल नहीं माने जाएंगे, इनको वापस लिया जाए। कायनाथ जी मैं आपको बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस पार्टी तो किसानों का मुद्दा विधानसभा में उठाती नहीं, तो भाग जाते हैं, लोकसभा में भी भाग गए, विधानसभा में भाग गए। मैं आपको चुनौती देता हूँ, अभी कांग्रेस नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे पांच इस कानून के अंदर जो काला कानून ये बता रहे हैं, काला क्या है, पांच चीज पूछ लीजिए, बता नहीं पाएंगे। नेहरा जी बहुत बार हम इस पर बात कर चुके हैं, फिलहाल आज मुद्दा हमारा कृषि कानूनों को लेकर हो रही बहस का नहीं है। आज हमारा मुद्दा ये है कि सरकार ने अगर इस तरीके से कोई प्रस्ताव लाया है, निंदा प्रस्ताव पास किया गया है, ध्वनि मत से विपक्ष ने वॉकआउट किया उस पर, उसको किस तरीके से देखा जाए। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अगेंस्ट लाया गया, मैं चाहूंगी मनीष कटारा जी इस पर रखें अपनी बात। कान्हा जी मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी अगर जी जी शालिनी जी जी कहिए जी। देखिए ये जो क्षति कानून लेके आ रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि ये कानून तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 1984 का डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें सारे प्रोविजन है, लेकिन ये क्षति कानून लाने के बहाने से सिर्फ निंदा प्रस्ताव उसके अंदर एक नया एलिमेंट जोड़ा गया है कि जो गांव में जो लोग जा रहे हैं उनको का जो बॉयकॉट हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज का एक्ट अगर है, अगर इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं कि जनता ने जो किया उसको रोकना है, तो सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब ये किसानों की भीड़ आगे बढ़ी थी तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि सरकारों ने खुद सड़कें खोली थी जी। क्या ये क्षति कानून इसका डैमेज जो है जगह जगह पे, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूँ उसके बाद बोलूँगी, जो जगह जगह पे सड़कों पे कीलें ठोकी गई हैं सरकारों की नीतियों की वजह से, जो जनता को प्रॉपर्टी के जो डैमेज होता है, जो इनकन्वीनियंस होती है, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी उसकी कौन क्षतिपूर्ति करेगा, किससे जवाबदेही जो है वो होगी और किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल मैं नेहरा जी मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे ही इस पर जवाब जरूर लेंगे कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक आम जनता की तय होनी चाहिए, क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है उस नुकसान को तय करने की या भरने की जो उनके फैसलों के द्वारा होता है। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्य हमम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो
चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप एचआईवी और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। चिनार फैब्रिक्स, अ स्टाइलिश एंड फैशनेबल, अ कंप्लीट मेंसवेयर, चिनार फैब्रिक। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी, फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30, भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य। जाने से पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर सरकारी संपत्ति या फिर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई को लेकर। सरकार जो है यहाँ पर आज सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आई, निंदा प्रस्ताव, जिसका विपक्ष ने विरोध किया, और उस निंदा प्रस्ताव के पेश होने के बाद विपक्ष ने जो है सदन से वॉकआउट भी कर दिया। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त जुड़े हुए हैं कि सरकार अगर इस विधेयक को, क्षति वसूली विधेयक को लेकर आती है, कानून बनाती है, तो फिर इस कानून का असर जो है वो क्या होगा? क्या ये कानून सिर्फ उस व्यक्ति पर ही लागू होना चाहिए जिसके द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो, या फिर गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो? लेकिन अगर सरकारी फैसले से किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई किसके द्वारा होनी चाहिए? क्या इस नए कानून में इस बात का भी जिक्र किया गया है? हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगी ब्रजेंद्र नेहरा जी इसका जवाब दें, क्योंकि शालिनी यादव जी ने ये सवाल यहाँ पर सीधे तौर पर उनसे पूछा था कि अगर ऐसा कानून सरकारें बनाती हैं तो इस कानून में क्या सिर्फ आम जन से ही या फिर जो आंदोलन कर रहा पक्ष है उससे ही नुकसान की भरपाई वसूली जाएगी, या फिर सरकारी फैसलों से हुए नुकसान की भरपाई भी सरकारों द्वारा होगी? देखिए कायना जी, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शालिनी यादव जी ने सरकार पर लगातार सवाल उठाए हैं, तो मैं बड़े दुख के साथ एक चीज कहना चाहूंगा, उनका अधिकार है वो कुछ भी बोले, लेकिन जिस तरह से जो चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों, चाहे जो, ये लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए और सरकार की जो ठीक बात है उसको ठीक, गलत को गलत कहना चाहिए। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि कांग्रेस के 3 प्रवक्ता अपने एक साथ बिठा रखे हैं, इन्होंने सरकार पर सवाल उठाए और गलत उठाए। मैडम मैं बताना चाहूंगा, कायनाथ जी उन्होंने कहा कि सरकार ने गड्ढे खुदवाए। पहले तो ब्रजेंद्र जी, पहले तो मैं ये बात आपसे क्लियर करना चाहूंगी, अगर कोई भी यहाँ पर एक फेयर तरीके से बात रखता है तो आपको ये क्यों लगने लग जाता है कि वो कांग्रेस का है या कांग्रेस से है? मैं शालिनी जी को बताना चाहूंगा, शालिनी जी आपने भारत सरकार ने जो मैदान ऑफर किया था किसान संगठनों को, नेताओं को, आपने वो शायद आपको याद नहीं है या वो आपको दिखाई नहीं देते या फिर देखना नहीं चाहती आप। जो भारत सरकार ने मैदान ऑफर किया था कि वहां पे आपको चिकित्सा की, आपको शौचालय की, हर तरह से ऊपर वहां पे टीम की व्यवस्था की थी बैठने के लिए, सर्दी में भी वहां पे व्यवस्था थी, उसके लिए उसमें किसान गए नहीं। और किसानों ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने रामलीला मैदान के लिए कभी अप्लाई किया नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास जाके। इसके साथ साथ आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे लोगों को किसान मानेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी को नहीं मानते, भारत सरकार को नहीं मानते? आप मुझे बताइए किसको मानेंगे फिर वो, अगर इस जीत पे ये अड़े हुए हैं कि पहले आप कानून रद्द करो उसके बाद हम वार्ता करेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसे हम उसके उस देश का नागरिक होने पर ही सवाल सीधा उठा सकते हैं? क्या ये विरोध जो है सरकार के प्रति देखा जाना चाहिए या फिर राष्ट्र के प्रति देखा जाना चाहिए? आप तो सीधे यहाँ पर एक राष्ट्र के प्रति उसकी उत्तरदायित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैडम आप मुझे बताइए, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
ये नहीं कहा बार बार कि कमेटी के सामने आके अपनी बात रखी है, क्या उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर दिया? इसका मतलब देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर। लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि जिन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया वो किसान नहीं है या इस देश के नागरिक नहीं है, राष्ट्र विरोधी है? बताइए आप क्या कह सकते हैं उन लोगों को? मैंने तो ये नहीं कहा देश के नागरिक। शालिनी जी, लेकिन क्या ऐसे लोगों को आप किसान नेता मानेंगी जो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, भारत सरकार को नहीं मानते? क्या किसको मानेंगे फिर वो, ये तो बताइए ना। क्या सड़क पे बैठ के कानून बनेंगे? क्या लोकतंत्र से देख चलेगा या लोकतंत्र से? आप तय करिए कायनात जी या अधिवक्ता जी बैठी शालिनी जी बता सकती है बेहतर। शालिनी जी आप कानून की बेहतर जानकार है, लेकिन आप बताइए क्या लोकतंत्र से देख चलेगा या लोकतंत्र से चलेगा या गुंडा तंत्र से चलेगा? सड़क पे बैठ के कानून बनेंगे या संसद के अंदर कानून बनेंगे या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात मानी जाएगी या आप जो कह रही है कांग्रेस की पैरवी जो कर रही है कांग्रेसी लोगों की बात मानी जाएगी? विजेंद्र जी, सरकार के पास अगर कानून बनाने की शक्ति है तो जनता के पास आंदोलन रूपी एक हथियार है, आंदोलन के जरिए ही वो अपनी असहमति का अधिकार है वो जता सकते हैं। लेकिन अगर आप उस असहमति को सरकार के खिलाफ खड़ा होना मान ले तो इसमें क्या कहे, ये समझ फिर किसकी कहे कि किसकी समझ का दोष है या किसके काम का दोष है? शालिनी जी मैं चाहूंगी जरा आप इस पर बात रखें। मैं बताना चाहूंगा आपको, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है तंत्र से चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रास्ता नहीं रोक सकते। जी जी चलिए जी शालिनी जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र तो पता नहीं लेकिन ये वाक तंत्र से चलेगा। टीवी डिबेट से आके दूसरे को बोलने नहीं देना और चिल्लाने से चलेगा लगता है, वो एक चिल्लाना तंत्र वाला यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। खैर मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूँ कि जिस कमेटी की बात ये कर रहे हैं कि किसानों ने जिसे रिजेक्ट किया, सबसे पहले जो मैटर था वो तो अभी भी लेजिस्लेचर में ही था, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो भी जजमेंट दिया था उस वक्त, तो उन्होंने या एक रिकमेंडेशन दी थी बेसिकली, उसमें एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि ये कानून जिस तरीके से खुद ही गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आते ही नहीं है बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया गया। तीसरी चीज इसकी कमेटी के अंदर ही जो लोग बैठे हुए थे उसमें कुछ लोग वो थे जिन्होंने शुरू से ही इस किसान आंदोलन को का विरोध किया था और किसान ये जो नए फार्म बिल के फेवर में बात की थी, तो एक फेयर डिसीजन इन लोगों से आने की कोई उम्मीद नहीं थी जो कमेटी थी, इसीलिए किसानों ने वो कमेटी रिजेक्ट की। और ये किसानों का अधिकार था, ये एक रिकमेंडेशन थी, तो उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया ये कमेटी को रिजेक्ट करके, सबसे पहली चीज ये समझनी पड़ेगी। और मैटर अभी भी लेजिस्लेचर में ही है और वहीं पे उसका डिसीजन होना चाहिए था, उसके बाद ये फैसले लिए जाते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक तब पहुंचता है। बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या केंद्र सरकार का अधिकार भी था इन मुद्दों पे या कृषि के ऊपर कानून बनाने का, और उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही बाईपास कर दिया गया। तो एक नागरिक के तौर पे बहुत ही समझदारी, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने इस चीज के ऊपर रिएक्शन दिया। दूसरी चीज, जहां आप कहते हैं कि उनके लिए मैदान तैयार थे, रामलीला ग्राउंड तैयार थे, उन्होंने कभी परमिशन मांगी ही नहीं, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहना, देखिए ये एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ता चला आ रहा है उस तरीके से जितना सरकार ने इसके ऊपर इसका विरोध किया, लाठीचार्ज किया, ये इंटर स्टेट है, कितनी स्टेट से चलते हुए लोग यहाँ पे आए थे, उनको हर तरीके से दिल्ली के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, उस सिचुएशन में इनको जहाँ बैठना पड़ा वो वहां बैठे। हमें शुरुआत भूलनी नहीं चाहिए कि इसकी सीक्वेंस क्या थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें रामलीला ग्राउंड तक पहुंचाने के बाद बैठाया गया वहां से, उसके बाद उनको पता था कि उनको एक बहुत आइसोलेटेड स्पॉट में डाल दिया जाएगा और वहां उसका कोई मायने नहीं थे। जहां तक ये पहुंचे थे किसान वहीं बैठे, मजबूरी में बैठे, और धीरे धीरे वही मजबूरी जो उनकी उस वक्त थी सरकार के रोकने की, वही सरकार के गले में हड्डी बन गई। असलियत ये है।
मैं एक सीधा सवाल जो इस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं, मैं ये जानना आपसे चाह रही हूँ कि ये जो जिस तरीके से विधेयक लाकर के कानून बनाने की कवायद एक तरीके से शुरू हो रही है, ये ट्रेंड शुरू हो गया है, कई स्टेट इस पर कानून बना भी चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो वहाँ पर जब पिछले साल CAA को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस दौरान जो हिंसा हुई, दंगा भड़का, जो भी कुछ यहाँ पर लगा ले उस पर कानून बनाया सरकार ने कि क्षति वसूली जो है वो उन लोगों से की जाएगी जो उस वक्त वहां पर शामिल थे, उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, भले ही फिर उनके द्वारा ये साबित हो या ना हो कि उन्होंने वो नुकसान किया है या नहीं किया है। तो इस तरह के कानून जो है, क्या लगता है आपको, सरकारें अगर बनाती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के कितना अनुरूप है या उनके कितना खिलाफ है, मुख्तलिफ है? देखिए, क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी को और उनसे वसूली करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार जब चलाएगी, क्योंकि हमें वैंडलिज्म यानी जिस तरह की तोड़फोड़ या वायलेंस या हिंसा होती है उसको रोकना जरूरी होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि चाहे उन्होंने किया हो चाहे नहीं किया हो, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। किसी भी तरीके से आप इसको न्यायपूर्ण नहीं बता सकते हैं कि चाहे आपने किया है चाहे नहीं, लेकिन आपको उसकी सजा आपको मिलेगी। और दूसरी चीज उसमें यही है कि जब क्योंकि मैं इसलिए शालिनी जी ये बात कह रही हूँ कि जब एक भीड़ निकल के सामने आती है और कुछ चेहरे आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उन चेहरों को ये कह दिया जाता है कि यहाँ जो उपद्रव हुआ था उस उपद्रव के वक्त पर ये लोग भी मौजूद थे, फिर ये साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भी कि उनके द्वारा वो नुकसान या क्षति जो है वो नहीं की गई है। ऐसे में कितना लगता है कि ये सही तरीका है यहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को रोकने का? और दूसरा ये भी कि फिर अगली बार, जैसे हमने ये भी देखा कि बिहार सरकार ने एक कानून यहाँ पर बना दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से आंदोलनों में, प्रोटेस्ट में, सरकार के विरोध होने वाली हड़तालों में शामिल होता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये कौन सा तरीका है, क्या आप मानते हैं ये तरीका बिल्कुल सही जा रहा है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहाँ पर आंदोलन को कहा जाता है कि ये एक लोकतंत्र का ही दूसरा रूप है, क्या ये उसके अनुरूप है? फिर देखिए कायना जी, इस विजेंद्र जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन सच यही है कि ये अंग्रेजों का तरीका है। इसमें सीधी सी बात है कि आप अगर प्रोटेस्ट में लोग जाएं ही नहीं, इसको रोकने के लिए जुड़े ही नहीं उससे, यही एक तरीका है कि अगर आप उसमें दिखाई नहीं दे गए या किसी भी तरीके से प्रूव कर दिया कि आप आसपास हैं तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। कानून इस तरीके से नहीं चलता, कानून एविडेंस के बेसिस पे चलता है। जब आपने जो क्राइम किया ही नहीं तो आप उसके लिए कैसे जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? सरकारी नौकरी नहीं देना, देखिए ये सब वही है, जितनी ज्यादा दमनकारी सरकारें होती जाती हैं वो नागरिक के अधिकारों को उतना ज्यादा लिमिट करती रहती है। आप ये कहेंगे विजेंद्र जी प्लीज मैं कंप्लीट कर लूँ, जरूर दीजिएगा। तो उसमें जितना आप ये कह रहे हैं कि लोगों को अगर शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, देखिए ज्यादातर प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से ही शुरू होती है, कभी कभार उनमें वायलेंस होती भी है, जो वायलेंट ग्रुप्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, लेकिन जब वायलेंस होती है तो फिर उसका जो कानून को जो अपनी कार्यवाही करनी होती है वो करता है। लेकिन ये एक डर का माहौल क्रिएट करने की बात होती है कि किसी भी प्रोटेस्ट में आप कभी भी जुड़े आगे जाके, तो अगर वो वायलेंट हो गई, जो कि हो सकती है कभी भी, ये हमेशा भीड़ का एक भीड़ की मानसिकता होती है, भीड़ का जानते हैं आप, भीड़ का दिमाग नहीं होता है, तो लेकिन आप बिल्कुल प्रोटेस्ट का जो कल्चर है उसको खत्म कर देना चाह रहे हैं, तो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी खत्म होंगे, क्योंकि कोई गारंटी ही नहीं है कभी भी किसी, आप प्रदर्शन में चाहे ये सोच के गए हैं कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन मौका है वारदात पे क्या हो जाए, कुछ बाहरी लोग आ जाए, उपद्रव भी आ जाए उसके अंदर, बिल्कुल वो नुकसान कर दे यहाँ पर। जी जी विजेंद्र जी, मैडम देखिए बहुत समय दिया है आपने यादव जी को, मेरे को जवाब देने दीजिए उनको। मैं एक तो बताना चाहूंगा कायना जी कि उन्होंने जो सबसे पहला सवाल उठाया था, आज उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मुझे लगता है कि इनको तो सरकार के साथ वार्ता करने के लिए जो किसान संगठन के नेता जाते हैं उसमें जरूर होना चाहिए शालिनी यादव जी को, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पैरवी कर सकती हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इनको जो किसानों के वकील खड़े हुए थे उनके साथ होना चाहिए। मैं इनको बताना चाहूंगा मैडम, देखिए अगर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किसान क्यों नहीं जाते? और जब वहां पे वकीलों की फौज खड़ी हुई थी, जिरह हो रही थी, बहस हो रही थी इन कानूनों के ऊपर, उस समय उनके वकीलों ने इस चीज को क्यों नहीं उठाया? मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं मैडम की, कि मैडम एपीएमसी एक्ट जो होता है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, वो राज्य का विषय होता है,
उसके अंदर केंद्र सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती, और हमने एपीएमसी में छेड़छाड़ की ही नहीं है। आप कम से कम जानकारी तो रखिए, आप तो बहुत अच्छी जानकार लग रही है मुझे कानून की। चलिए मनीष कटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, मंडी से बाहर भारत सरकार का वो भी इस पर अपनी बात यहाँ पर मुझे लगता है बेहतर तरीके से रख सकते हैं। कांग्रेस क्योंकि लगातार इस बात को उठा रही है कि जो एक्ट है ये किस तरीके से अगेंस्ट है। जवाब तो देने दीजिए, जल्दी 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 मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा। किसी को बोलने नहीं देंगे लोकतंत्र में। अरे मनीष भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है मैडम, मैं जवाब तो दे दूंगा। मनीष जी, एक सेकंड, यादव जी ने, मनीष जी एक सेकंड, विजेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, मैं जल्दी से आपकी तरफ आती हूं। जी मैं वही कह रहा हूं मैडम कि मनीष जी की जरूरत नहीं है, वो काम करने के लिए बैठी है वहां पे। देखिए मैं बताना चाहूंगा उनको कि 12 दौर की जो वार्ता हुई है भारत सरकार के साथ में किसान संगठन के नेताओं की, उन्होंने क्यों नहीं उठाया इस विषय को कि आप कानून नहीं बना सकते। एक बार भी 50 घंटे की वार्ता में इस विषय को उन्होंने नहीं उठाया। दूसरा, 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा मैडम, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा उसमें कि आपकी क्या मांग थी जी, हमें एमएसपी लिखित में चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप फिर वहां पर किसान आंदोलन और इसको लेकर बात कर रहे हैं। मैं आज सरकार के उस स्टैंड पर बात कर रही हूं जो इस आंदोलन के चलते लाया गया है, इस आंदोलन के दौरान लाया गया है। मनीष जी, मैं पिछले 8 महीने से इस विषय पर डिबेट कर रहा हूं, मुझे हर विषय की जानकारी है। आप कोई भी सवाल मुझे आप जवाब नहीं दे रहे। नेहरा साहब, देश में खाली आपको जानकारी नहीं है, और भी लोग हैं जानकारी वाले। कायनात मैडम, ये मेरे भाई बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं मनीष भाई, इनसे 5 काले कानून में 5 काला क्या, ये तो पूछ लीजिए। इनके कानून में सफेद इस कानून में सफेद क्या है, कोई जो या 300 किसान शहीद हो गए, ये खामखा हो गए, जो या 3 महीने से घर छोड़ कर तुम सुबह बैठे हैं, ये बेमतलब बैठे हैं। इसमें सफेद मनीष भाई ये है कि पहले, अरे सुनिए भैया, आप तो सरकार के मतलब की लोग सरकार ने बना दिया, ठीक है आप सरकार के प्रवक्ता हो, लेकिन इंसानियत की मतलब होनी चाहिए। इस कानून ने अधिकार दिया कि वो इंसानियत से बाहर की अपनी फसल को देख सकता है, पहले सिर्फ उसको ये अधिकार था जिनके घर तबाह हो गए उनके बारे में कुछ सोचो जी। शालिनी जी, इंसानियत की बात करो, इंसानियत की। नेहरा जी, आप शालिनी जी को इतना समय दे रही हैं, जवाब नहीं लेने के आप। नेहरा जी मैं इसलिए बात उनसे कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर अपनी बात कर रही हैं, बात को घुमा फिरा नहीं रही हैं वो। जी शालिनी जी, कायना जी, जो अभी विजेंद्र जी ने कहा उनके दोनों पॉइंट को मैं काउंटर करूंगी। पहला ये कि किसान क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा लेके कि ये केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आता है, तो ये गलत है। उनकी पिटिशन में सबसे पहली चीज यही थी कि, और उसी मैंने कहा कि उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन को ही सबसे पहले बाईपास किया। दूसरी चीज, एक मिनट विजेंद्र जी प्लीज बोल लेने दीजिए मुझे, दूसरी चीज ये है कि जो उन्होंने कहा कि वो एपीएमसी एक्ट पे अप्लाई करता है सिर्फ, की केंद्र सरकार नहीं बना सकती, तो आप गलत है। वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल की पूरे मार्केटिंग के ऊपर वो अप्लाई करता है। सिर्फ एपीएमसी तो सिर्फ उसका एक बहुत छोटा सा एक बॉडी है जो बनाई गई है, वो पूरा प्रोसेस नहीं है, वो पूरे प्रोसेस के ऊपर ही केंद्र सरकार नहीं बना सकती, वो स्टेट का विषय होता है। तो मैडम, ये दो चीजें मैं क्लियर करना चाहिए आपको, तो कानून रद्द करा देना चाहिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट से, अगर गलत है तो ये। हाँ तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए थे विजेंद्र जी, यही किसान यही गए थे, लेकिन जहाँ देश के हालात है वो किसी से छुपे नहीं। मैडम फिर रद्द क्यों नहीं किया कोर्ट को, कोर्ट ने कानून को, आप बताइए ना, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत है? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। स्टे तो लगा दिया गया है, लेकिन नेहरा जी स्टे तो कर दिया गया है, कोर्ट ने ही स्टे किया है। मैडम स्टे लगाने के साथ में चर्चा करने के लिए बोला है, और स्टे तो हमारी सरकार ने 1.5 साल तक खुद लगाया है, और स्टे हट जाएगा उसके बाद लागू होंगे कानून। अगर कुछ गलत होता तो कोर्ट रद्द कर देता कानूनों को, इसलिए कोर्ट की अवमानना कर रही है यहाँ पे मैडम बैठ के, खुद अधिवक्ता होकर के। शालिनी जी, मनीष जी जल्दी से जिस विषय पर हम थे मैं जाऊंगी उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। सरकार का ये प्रस्ताव और जो कानून लाने की बात हो रही है क्षति वसूली कानून, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, अपनी बात रखिए जल्दी से। मनीष जी, ऐसा है जी, सरकार को सबसे पहले हरियाणा में जो जाट आंदोलन हुआ उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए, जितने लोगों का नुकसान हुआ, जितने लोगों में शहादत दी, जो परिवार बेचारे आज बेसहारा हो गए, और किसान आंदोलन में जितना नुकसान हरियाणा में हुआ, जिस जिस के भी परिवार में जो शहादत हुई है उनका सबकी भरपाई करे,
उसके बाद सरकार ये बिल लेकर आए, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। संदीप जी, सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझे और इस काम को करे कि जो नुकसान हमारी वजह से हुआ है हम उसकी कितनी भरपाई करते हैं। संदीप जी, आवाज को दबाने के लिए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं ताकि कोई सरकार के खिलाफ कभी बोल ही ना पाए। संदीप जी, चाहे वो देशद्रोह का कानून हो, जल्दी मेरे पास वक्त बहुत कम है। संदीप जी जल्दी जल्दी। कायनाथ जी, हमें तो बीजेपी प्रवक्ता ने पहले ही कांग्रेस ही बना दिया है। फालनी जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं किस तरीके से अगर मेरा साहब काम करते रहे तो कांग्रेस का काम आसान कर देंगे। दो कांग्रेसी आज बना दिए, किसानों ने आंदोलन किया उनको कांग्रेसी बना दिया, कल मजदूर आंदोलन करेंगे उनको कांग्रेसी बना देंगे, परसों टीचर आंदोलन करेंगे उनको कांग्रेसी। चलिए तो कह सकते हैं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे, लेकिन खुद ही वो कांग्रेसीकरण करने पर लगी हुई है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जन आंदोलन लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। लोगों में जब बदलाव की इच्छा तीव्र होती है और सत्ता पूरी क्षमता से इसे दबाना चाहती है तो बदलाव की यही इच्छा धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले लेती है। आंदोलन सरकार तक बात पहुंचाने का जरिया होते हैं। सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार कठोर कदम उठाती हैं और इस बीच कई बार टकराव की स्थिति भी पैदा होती है। और अगर इस बीच हुए नुकसान का हिसाब किताब लगाया जाना शुरू हो जाए और जिम्मेदार किसी एक पक्ष को ही ठहरा दिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि आंदोलन का स्वरूप भविष्य में बच पाएगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।